आइए दोस्तों, आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि क्लास नाइन्थ के चैप्टर सिक्स चैप्टर द रूल्स ऑफ द रोड से लिए गए हैं, और आज उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, योर फ्रीडम, तुम्हारी आज़ादी, एंड्स माने समाप्त होती है, वेयर माने जहाँ, माई नोज, जहाँ मेरी नाक, बिगिंस माने शुरू होती है, तुम्हारी आज़ादी वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ मेरी नाक समाप्त होती है, डिस्कस, इस पर जो हमें डिस्कस करना है, विवेचना करनी है इस सेंटेंस की जो कथन है। तो वी कैन एन्जॉय, हम आनंद ले सकते हैं, आवर राइट्स, अपने अधिकारों का, हम अपने अधिकारों का आनंद ले सकते हैं, एंड फ्रीडम, और आज़ादी का भी आनंद ले सकते हैं, ओनली इफ, केवल तब तक आनंद ले सकते हैं कि जब जो है, इफ दे डू नॉट इंटरफियर, कि यदि वो हस्तक्षेप ना करे, विद अदर पीपल्स, दूसरे लोगों के राइट्स माने अधिकारों में, एंड फ्रीडम, और आज़ादी में, यानी कि हम अपनी आज़ादी का और अपने अधिकारों का आनंद तब तक ले सकते हैं, तभी ले सकते हैं जब वो दूसरे किसी व्यक्ति के अधिकारों में और आज़ादी में हस्तक्षेप ना करे। इफ ए मैन, यदि एक व्यक्ति थिंक्स माने सोचता है कि ही हैज ए राइट, ये उसे अधिकार है, टू डू माने करने का, यदि एक व्यक्ति यह सोचता है कि उसे कुछ भी करने का अधिकार है, व्हाट ही लाइक्स, जो वह पसंद करे, जो भी वह पसंद करता है वो सब करने का उसे अधिकार है, एंड बिगिंस, और वो शुरू हो जाता है, टू स्पिन माने घुमाना, हिज वॉकिंग स्टिक, और अपनी छड़ी को घुमाना शुरू कर देता है, राउंड एंड राउंड, गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है, ऑन ए बिजी रोड, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर घुमाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि उसे कुछ भी करने का अधिकार है जो वह चाहता है, तो इट मे हर्ट, तो वो उससे चोट लग सकती है, समबडी, किसी व्यक्ति की नोज माने नाक पर, किसी व्यक्ति की नाक पर चोट लग सकती है, और एनी अदर पार्ट, या किसी दूसरे अंग पर ऑफ द बॉडी, या उसके शरीर के किसी दूसरे अंग पर उसे चोट लग सकती है, बट ही शुड थिंक, लेकिन उसे यह सोचना चाहिए कि ही हैज नो राइट, कि उसे राइट माने अधिकार, लेकिन उसे यह सोचना चाहिए कि उसे अधिकार नहीं है, टू हर्ट माने चोट मारने का, एनीबडी, किसी भी व्यक्ति को, गोइंग ऑन द रोड, जो कि सड़क पर जा रहा है, सड़क पर जाते हुए किसी भी व्यक्ति को उसे चोट मारने का अधिकार नहीं है, उसे इस बारे में सोचना चाहिए। दैट मैन कैन ऑब्जेक्ट, वो व्यक्ति कैन ऑब्जेक्ट टू हिज स्प्रिंग स्टिक, वो व्यक्ति कैन ऑब्जेक्ट माने आपत्ति कर सकता है, टू हिज स्पिनिंग, उसके घुमाने पर, स्टिक माने छड़ी, तो वो जो पहला व्यक्ति छड़ी घुमा रहा है, उसके छड़ी घुमाने पर वो व्यक्ति जिसके चोट लग सकती है वो ऑब्जेक्ट कर सकता है, अर्थात वो उसे जो है उस पर आपत्ति अपनी जता सकता है। राउंड एंड राउंड, जो चारों तरफ छड़ी घुमा रहा है, उसके छड़ी घुमाने पर वो जो है अपनी आपत्ति व्यक्त कर सकता है, और Hence, इस प्रकार से द फ्रीडम माने आज़ादी ऑफ द जेंटलमैन, उस सज्जन व्यक्ति की आज़ादी, स्पिनिंग माने घुमाने की, द स्टिक माने छड़ी, एंड्स माने समाप्त हो जाती है, इस प्रकार से उस सज्जन के व्यक्ति के छड़ी घुमाने की जो आज़ादी है समाप्त हो जाती है, वेयर माने जहाँ, द नोज ऑफ द अदर मैन, जहाँ पर दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू होती है, अर्थात उसके जहाँ दूसरे व्यक्ति के अधिकार अपने शुरू होते हैं वहाँ तक, वहाँ से पहले व्यक्ति को छड़ी घुमाने का अधिकार उसका समाप्त हो जाता है, तो इसलिए ये कथन कहा गया और ये इस पर डिस्कस है, अर्थात इस जो कथन है इसकी विवेचना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस, क्या होता है, व्हेन वी एक्ट, जब हम कार्य करते हैं, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे हुए, उस समय क्या होता है जब हम बिना सोचे हुए ही कुछ कार्य करते हैं, गिव टू एग्जाम्पल्स, कोई से दो उदाहरण दीजिए, और वांट माने ये चाहने के, और थॉट माने ये जो विचार हैं, इन सपोर्ट माने सपोर्ट में, समर्थन में, ऑफ योर आंसर, अपने उत्तर के समर्थन में, इस प्रकार के जो है दो विचार हमें देने हैं, दो एग्जाम्पल देने हैं। तो अब इसका क्वेश्चन का जो आंसर है, समटाइम्स वी गेट, कभी कभी, वी गेट इन अदर पीपल्स वे, हम आ जाते हैं दूसरे लोगों के वे माने रास्ते में, कभी कभी हम दूसरे लोगों के रास्ते में आ जाते हैं, विदाउट नोइंग, बिना जाने पर पूछे, इट माने उसके, यानी कि बिना जाने हुए, यानी कि अनजाने में हम दूसरे लोगों के, जो दूसरे लोग हैं सड़क पर जा रहे हैं उनके रास्ते में हम आ जाते हैं। दिस हैपेंस, ऐसा होता है, व्हेन माने जब, वी एक्ट जब हम कार्य करते हैं, विदाउट थिंकिंग, और ऐसा केवल तभी होता है जब हम कार्य करते हैं बिना सोचे हुए, जब हम बिना सोचे हुए कोई कार्य करते हैं ऐसा केवल तभी होता है। वी डू नॉट थिंक, हम नहीं सोचते हैं, द कन्वीनियंस माने आराम के विषय में,
सुविधाओं के बारे में, ऑफ दी अदर पीपल दूसरे लोगों की, हम दूसरे लोगों की जो सुविधाएं हैं कॉन्वीनियंस माने सुविधाएं उनके विषय में, सुविधाओं के विषय में हम नहीं सोचते हैं। सपोज मान लीजिए कि देयर इज ए मैरिज, मान लीजिए कहीं पर शादी हो रही है इन ए क्राउडेड स्ट्रीट, एक भीड़ भाड़ वाली गली में, भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जो है कोई शादी हो रही है। यू पुट, आप रख देते हो पुट अप ए लाउड स्पीकर, आप एक लाउड स्पीकर रख देते हो आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर जो है आप एक लाउड स्पीकर रख देते हो। इट बिगिंस, यह शुरू हो जाता है टू ब्रॉडकास्ट, और यह बजना शुरू हो जाता है द लाउड म्यूजिक, और इस पर तेज आवाज में संगीत बजना शुरू हो जाता है। यू डू नॉट थिंक, आप नहीं सोचते हो कि द नॉइस माने शोर मे हर्ट, माने हर्ट कर सकता है या परेशान कर सकता है ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति को, आप यह भी नहीं सोचते हो कि वो जो शोर है वो किसी बीमार व्यक्ति को परेशान कर सकता है। एंड ए स्टूडेंट, और एक ऐसे छात्र को भी परेशान कर सकता है हु इज प्रिपेयरिंग, जो कि तैयारी कर रहा है फॉर हिज एग्जामिनेशन, जो कि अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसे भी परेशान कर सकता है, इस विषय में आप नहीं सोचते हो। समटाइम्स, कभी कभी, सम पर्संस, कुछ व्यक्ति बिगिन माने शुरू कर देते हैं, टू डिस्कस माने बहस करना या चर्चा करना, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। इन रेलवे कैरिज, एक रेलवे के डिब्बे में जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो वहां पर कुछ लोग जो है अचानक ही भारत की विदेश नीति पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं। वेन अदर पैसेंजर, और जबकि जो दूसरे यात्री हैं वांट टू स्लीप, वो सोना चाहते हैं, दे डू सो ओनली फॉर वांट ऑफ थॉट, और वो जो व्यक्ति हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फॉर वांट ऑफ थॉट, यानी कि क्योंकि उनमें वांट माने अभाव है, ऑफ थॉट माने उनमें विचारों का अभाव या सोचने का अभाव है, ऐसा वो इसलिए ही करते हैं। तो ये था सेकंड क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाई आर द रूल्स ऑफ द रोड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के जो नियम हैं क्यों है, वाई मैंने क्यों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सड़क पर जो नियम होते हैं, सड़क पर चलने के जो नियम होते हैं या सड़क के नियम होते हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं वाई और द रूल्स ऑफ द रोड बी टू बी ओबेड, सड़क के जो नियम हैं उनको क्यों माना जाना चाहिए। तो इसका आंसर, द रूल्स ऑफ द रोड अर्थात यातायात के नियम या सड़क के नियम आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, दे ऑट टू बी ओबेड, उनको माना ही जाना चाहिए। यहाँ ऑट टू का प्रयोग जो यहाँ पर हुआ है, ये नैतिक जो हमारे कर्तव्य हैं वहाँ पर हमें ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। तो दे ऑट टू बी ओबेड, उनको माना जाना चाहिए। द पर्पज माने उद्देश्य ऑफ दीज रूल्स, इन नियमों का उद्देश्य इज टू मेक माने बनाना होता है द रोड्स माने सड़कों को सेफ माने सुरक्षित फॉर एवरीबडी माने प्रत्येक व्यक्ति के लिए, यानी कि इन नियमों का जो उद्देश्य है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सड़क को सुरक्षित बनाना होता है। नाउ ए डेज, आजकल या इन दिनों, द ट्रैफिक हैज इंक्रीज्ड वेरी मच, जो यातायात है वो हैज इंक्रीज्ड माने बढ़ गया है, वेरी मच माने बहुत अधिक, आजकल यातायात बहुत अधिक बढ़ चुका है। ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, सभी प्रकार के वाहन, सम स्लो कुछ धीमे चलने वाले, सम फास्ट कुछ तेज चलने वाले, फिल माने भरे रहते हैं, द रोड्स माने सड़कों पर भरे रहते हैं। ड्यूरिंग द ग्रेटर पार्ट, दिन के अधिकांश समय ऑफ द डे, यानी कि दिन के अधिकांश समय जो है, यानी कि सारे दिन सड़कों पर कुछ धीमे चलने वाले और कुछ तेज चलने वाले वाहन भरे रहते हैं। हैंस, इस प्रकार से, इट इज द ड्यूटी, इसीलिए यह कर्तव्य है, ऑफ ऑल द रोड यूजर्स, सभी सड़क के प्रयोग करने वालों का यह कर्तव्य है, टू ओबे, कि वो माने द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों को माने। इफ पीपल डिसओबे, यदि लोग डिसओबे करते हैं, यानी आज्ञा की अवहेलना करते हैं, ट्रैफिक रूल्स माने यातायात के नियमों की अवहेलना करते हैं, अर्थात यदि लोग ट्रैफिक के नियम को नहीं मानते हैं, यातायात के नियमों को नहीं मानते हैं, तो एक्सीडेंट्स हैपन, तो दुर्घटनाएं होती हैं, सूनर और लेटर, देर सवेर जो है दुर्घटनाएं जो है होती रहती हैं। दीज रूल्स, ये नियम आर मीन्ड, इन नियमों का जो अर्थ है, फॉर ऑल द रोड यूजर, सभी सड़क के प्रयोग करने वालों के लिए इन नियमों का अर्थ यह है, वेदर दे आर द ड्राइवर्स, चाहे वो चालक हों ऑफ दी व्हीकल्स, वाहनों के लिए, और द पेडिस्टेंस, या पैदल चलने वाले हों, उन सब के लिए जो है ये नियम, ये जो सड़क के नियम हैं, ये बहुत जो है अधिक उनके लिए आवश्यक या उपयोगी हैं, अर्थात ये नियम सड़क पर सभी प्रकार के यूजर्स के लिए बनाए गए हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आर ट्रैफिक सिग्नल्स नेसेसरी,
जो यातायात के संकेत हैं, सिग्नल्स माने संकेत, नेसेसरी माने आवश्यक हैं। यातायात के संकेत क्यों आवश्यक हैं? देयर इज ग्रेट नीड, देयर इज ग्रेट, ग्रेट माने अत्यधिक, नीड माने आवश्यकता होती है, एंड इम्पोर्टेंस और महत्वपूर्ण, महत्ता भी होती है अर्थात महत्वपूर्ण भी होते हैं, और दी राइट ट्रैफिक सिग्नल, जो सही यातायात के सही संकेत हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी होते हैं और उनकी बहुत अधिक आवश्यकता भी होती है। ड्राइवर्स ऑफ द व्हीकल्स यानी कि वाहनों के जो चालक हैं, शुड नेवर फेल, उन्हें कभी भी असफल नहीं होना चाहिए, टू गिव माने देने में, द राइट सिग्नल्स, सही संकेत देने में उन्हें कभी भी असफल नहीं होना चाहिए। इफ दे डू नॉट गिव राइट सिग्नल्स, इफ माने यदि, दे डू नॉट, वे नहीं, गिव माने देते हैं, राइट सिग्नल सही संकेत, यदि वे सही संकेत नहीं देते हैं तो देयर इज ग्रेट डेंजर, बहुत अधिक खतरा रहता है, ऑफ एक्सीडेंट्स माने दुर्घटनाओं का, तो दुर्घटनाओं का बहुत अधिक खतरा बना रहता है, हैपनिंग माने होने का, दुर्घटना होने का बहुत अधिक खतरा बना रहता है। साइक्लिस्ट माने साइकिल सवार, शुड माने चाहिए, नो माने जानना, ऑल द सिग्नल्स, साइकिल सवारों को भी सभी सही नियम, सारे नियम जानना चाहिए। दे शुड नॉट थिंक, उन्हें नहीं सोचना चाहिए कि द ट्रैफिक सिग्नल्स के, यातायात के नियम, यातायात के जो संकेत हैं, आर मीन्ट, वो केवल बनाए गए हैं ओनली फॉर व्हीकल ड्राइवर्स, केवल जो है जो व्हीकल ड्राइवर हैं, वाहनों के जो चालक हैं, केवल उनके लिए ही बनाए गए हैं, इस बारे में उन्हें नहीं सोचना चाहिए, जो साइकिल सवार हैं उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। द पेडिस्ट्रियंस माने पैदल चलने वाले, टू माने भी, शुड माने चाहिए, पैदल चलने वालों को भी चाहिए, हैव ए नॉलेज माने ज्ञान होना चाहिए, और दीज ट्रैफिक सिग्नल्स, इन यातायात के संकेतों का ज्ञान होना चाहिए। दे मे बी एबल, वे योग्य हो सकते हैं, टू टेल माने बताने के, वेयर विच वे द व्हीकल्स, कि कौन सा रास्ता व्हीकल्स ऑन दी रोड यानी कि सड़क पर, जो कौन सा रास्ता व्हीकल्स के लिए आर गोइंग टू पास, यानी कौन सा रास्ता सड़क पर गोइंग टू पास माने गुजर रहा है, अर्थात दे मे बी एबल, वे जो है योग्य हो सकते हैं, टू टेल विच, वो ये बताने के भी योग्य हो सकते हैं कि विच वे, कौन सा रास्ता, वे द व्हीकल्स, व्हीकल्स के लिए, वाहनों के लिए, ऑन दी रोड माने सड़क पर, आर गोइंग टू पास, कौन सा रास्ता सड़कों पर, सड़क पर वाहनों के लिए कहाँ से गुजर रहा है, तो इसके लिए भी वो योग्य हो सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, और अब चलते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई शुड एवरीबडी ओबे ट्रैफिक रूल्स, व्हाई माने क्यों, शुड एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति को ओबे माने मानना चाहिए ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियम प्रत्येक व्यक्ति को क्यों मानने चाहिए। एवरीबडी माने प्रत्येक व्यक्ति, हु यूजेस, जो भी प्रयोग करता है रोड माने सड़क का, प्रत्येक व्यक्ति जो भी सड़क का प्रयोग करता है, शुड नो, उसे जानना चाहिए, द ट्रैफिक रूल्स, उसे यातायात के नियम जानना चाहिए, एंड ओबे देम, और उनका पालन भी करना चाहिए। दीज डेज माने आजकल, वी सी, हम देखते हैं कि द रोड्स इन आवर सिटीज, हमारे शहरों में जो सड़कें हैं, एंड टाउन्स, और हमारे कस्बों में जो सड़कें हैं, आर गेटिंग मोर एंड मोर बिजी, अत्यधिक व्यस्त होती चली जा रही हैं, विथ ट्रैफिक माने यातायात से, यातायात से बहुत अधिक व्यस्त होती चली जा रही हैं। देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, और हर प्रकार के वाहन होते हैं ऑन दी रोड्स माने सड़कों पर हर प्रकार के वाहन होते हैं। द रोड्स आर फुल, सड़कें भरी रहती हैं, ऑफ देम माने उनसे, सड़कें उनसे भरी रहती हैं, ड्यूरिंग द ग्रेटर पार्ट, दिन के अधिकांश समय सड़कें, ऑफ द डे माने दिन के अधिकांश समय सड़कें वाहनों से भरी रहती हैं। इन सच ए कंडीशन, और इस प्रकार की स्थिति में, एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति को, शुड ओबे माने मानना चाहिए, द रूल्स ऑफ द रोड्स, सड़क के नियमों को मानना चाहिए, और इस तरह की प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को सड़क के नियमों को अवश्य ही मानना चाहिए। ए पीपल डिसोबे, यदि लोग डिसोबे अर्थात अवहेलना करेंगे ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों की, यदि यातायात के नियमों की लोग अवहेलना करेंगे या नहीं मानेंगे, तो एक्सीडेंट्स में हैपन, तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं, सूनर और लेटर, देर सवेर दुर्घटनाएं अवश्य ही होती होंगी, हो जाएंगी। देयर आर रूल्स माने नियम हैं, फॉर द पेडिस्ट्रियंस, पैदल चलने वालों के लिए, आल्सो माने भी, पैदल चलने वालों के लिए भी नियम होते हैं। दे शुड कीप, उन्हें रखना चाहिए, टू द फुटपाथ माने फुटपाथ पर, अर्थात उन्होंने जो है उन्हें फुटपाथ पर चलना चाहिए, एंड लीव, और छोड़ देना चाहिए, मिडिल ऑफ द रोड, सड़क का जो बीच का भाग है वो छोड़ देना चाहिए, फॉर व्हीकल्स, वाहनों के लिए छोड़ देना चाहिए। देयर आर रूल्स
माने नियम है फॉर द साइकिलिस्ट, पैदल चलना यानी कि पैदल साइकिल सवारों के लिए, सॉरी साइकिल सवारों के लिए भी नियम है, नियम बनाए गए हैं। दे शुड ऑलवेज, उन्हें हमेशा, कीप टू द एज, उन्हें हमेशा, एज माने किनारा, ऑफ द रोड माने सड़क का, उन्हें सड़क के किनारे पर ही चलना चाहिए, यानी कि उन्हें रखना चाहिए, पकड़े रहना चाहिए सड़क के किनारे को, अर्थात सड़क के किनारे पर ही उन्हें चलना चाहिए। दे शुड नॉट गेट, उन्हें नहीं आना चाहिए, इन द वे माने रास्ते में, उन्हें रास्ते में नहीं आना चाहिए, ऑफ अदर व्हीकल्स, दूसरे वाहनों के, और द पेडिस्ट्रियंस, और जो दूसरे पेडिस्ट्रियंस पैदल चलने वाले हैं उनके रास्ते में उन्हें नहीं आना चाहिए। Hence, इस प्रकार से एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति को, शुड ओबे माने मानना चाहिए, द ट्रैफिक रूल्स, इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को यातायात के नियम मानना चाहिए। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट है द रूल्स ऑफ द रोड क्लास 9th का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, और जो शेष इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 2 में कंप्लीट किए जाएंगे। और इस वीडियो को, जो इस चैप्टर का कंप्लीट अर्थ है, हिंदी अनुवाद है, उससे लिंक के द्वारा डिस्क्रिप्शन में जाकर के जोड़ दिया जाएगा। तो यदि आपको इस चैप्टर का अर्थ पूरा पूरा और अच्छी प्रकार से समझना है तो लिंक में, लिंक के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा उससे आप चैप्टर का अर्थ भी पढ़ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे सेकेंड पार्ट के साथ, जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तब तक के लिए नमस्कार।